असलमकुम प्यारी मोमीज आज वीडियो है बेबी फेस मसाज के हवाले से जब बेबी टीदिंग पे हो इरीटेट करता है तो उसको अगर ए आप एक अच्छा सा मसाज दे देंगे तो बेबी रिलैक्स हो जाएगा तो सबसे पहले आपने राउंड पिलो जो है बेबी का वो उसके सर के नीचे दे देना है ताकि उसकी जो सर गर्दन है वो मूव ना करे और अच्छी तरह से मसाज करवाए उसके बाद आपने अपनी पाम पे दो से चार ड्रॉप्स विटामिन ई के ले लेने हैं और अच्छी तरह पाम को रब करने से उनको थोड़ा मतलब गर्म कर लेना है उसके बाद आपने उन्हीं हाथों से बेबी के फेस का स्टेप बाय स्टेप सॉफ्ट हाथों से मसाज करना है सबसे पहले आपने बेबी के फोरहेड पे मसाज करना है फिर चिन से लेकर जब आप ऊपर तक आएंगे तो थोड़ा सा आपने कुछ सेकंड का स्टे करना है और ये जो आपने ये जो टर्यर्स वाली जगह है आईज की इनर कॉर्नर यहाँ पे आपने बिल्कुल लाइट सा पुश करना है थोड़ा सा पुश क्योंकि बाद बच्चों की ये आइज जब वो पैदा होते हैं ख़राब होती है क्योंकि ये जो टर्यर्स वाला एक फंक्शन होता है वहाँ पे वो बंद होता है जब आप यहाँ पे इसको बेबी मसाज फेस का जब दोगे उसको पुश करोगे तो वहाँ से वो आ, मतलब सही हो जाएगा और बेबी का जो आँख का प्रॉब्लम है इन्फेक्शन है आई का तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखने हैं जो प्रेशर है बेबी को रिलैक्स होना चाहिए ना कि बेबी को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के बेबी को हमने अनकंफर्ट करना और बेबी के एयर को जब आप यहाँ से करेंगे तो बेबी बहुत ही डीप नींद लेगा और बहुत ही अच्छे से सोएगा इस मसाज के बाद बच्चे फीड करने के बाद बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए सो जाते हैं अपनी रूटीन से तो आपने डेली नाइट टाइम बेबी को इस तरह का फेस मसाज लाजमी देना है जब वो टीदिंग के अपने प्रोसेस में हो जब आपको पता चले कि ये जो सिम्टम्स हैं बच्चे की इिटेटिंग के टीदिंग के हवाले से हैं तो आपने फिर इसकी फेस मसाज की रूटीन बना लेनी है आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको फेस मसाज दिया करेंगे आ, आ, उसके बाद आपने बच्चे को फीड कराना है आ, उसके बाद बेबी सो जाया करेगा यह छोटी सी टिप थी आपके लिए तो आप तो मम्मीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हाफिज़